लैब इन एक्शन है। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को कल बुला लिया। हमजा लाहौर में तो सलमान लंदन में है। क्या कल कोई पेश हो जाएगा? जानते हैं राहिल सैयद से। राहिल, ये कौन सा केस है और क्या कल दोनों भाई पेश होने जा रहे हैं? नवीन निजामी, ये असासा जांच केस है जिसमें नैब तहकीकात कर रही है, क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान शहबाज शरीफ से जब तहकीकात की गई थी तो ये बात सामने आई थी कि शरीफ फैमिली के तमाम कारोबार जो है उनके बेटे सलमान शहबाज देखते हैं, और इस हवाले से कुछ चीजें ये भी सामने आई थी कि असासा जांच जो है उनके वो जो है वो ज्यादा सामने आई थी, जिसमें नैब तहकीकात कर रही थी। और 10 अक्टूबर को सबसे पहले सलमान शहबाज को बुलाया गया था, लेकिन वो कुछ पेश हुए थे और उसके बाद अधूरी सी मालूम देने के बाद वो दोबारा नैब के ऑफिस पेश नहीं हुए, क्योंकि नैब ने दोनों भाइयों को 2 नवंबर को भी तलब किया था असासा जांच में, लेकिन दोनों भाई जो है 2 नवंबर को पेश नहीं हुए। अब दोबारा कल सलमान शहबाज और हमजा शहबाज को दोबारा तलब किया गया है। तहम कहा यह जा रहा है कि शहबाज जो सलमान शहबाज है वो अभी तक लंदन से वापस नहीं आए, लेकिन हमजा शहबाज के बारे में ये इत्तला है कि कल वो नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होंगे, और पेश होने से कबल उन्होंने कबल गिरफ्तारी अपनी जमानत भी करवा रखी है ताकि नैब उन्हें गिरफ्तार ना कर ले। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि कल हमजा शहबाज जो नैब की तहकीकती टीम के सामने पेश होंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चिनोट में रमजान शुगर मिल के हवाले से भी नैब शरीफ फैमिली के पर तहकीकत कर रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रमजान शुगर मिल के लिए 20 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च करके जो है वहाँ पुल तामीर किया गया था, और इसी केस में 30 अक्टूबर को दोनों भाइयों को तलब किया गया था, लेकिन दोनों भाई 30 अक्टूबर को भी जो है वो पेश नहीं हुए थे। कहा यह जा रहा है कि कल हमजा शहबाज अगर पेश होंगे तो उनसे रमजान शुगर मिल में के हवाले से तामीर होने वाले पुल पर भी जो है तहकीकात की जाएगी। शुक्रिया राहिल सैयद, अपडेट कर रहे थे आप।